गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज मैं क्लास 10th का फिजिक्स का प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन का तीसरा भाग लेकर आया हूं। देखिए आज आपका पहला तीसरे टॉपिक में तीसरा जो वीडियो मेरा है इसमें आपका पहला टॉपिक है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब होता क्या है हमें ये जानना है, प्रतिबिंब के प्रकार कैसे हैं, कितने हैं, तो चलिए देखते हैं। पहला हम जानते हैं प्रतिबिंब, वस्तु के किसी बिंदु से दो या दो से अधिक प्रकाश किरणें प्रवर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है वह बिंदु पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहलाता है। कहने का तात्पर्य है जब प्रकाश किरण किसी स्रोत से वस्तु के किसी बिंदु से दो या दो से अधिक वस्तु के किसी बिंदु से मतलब जहां से हमारा प्रकाश किरण आ रहा है वहां से जब दो किरणें दो या दो से अधिक किरणें जब किसी बिंदु पर जाकर वास्तव में ऐसे प्रतिच्छेद या प्रतीत होती है तो उस बिंदु पर जहां पर प्रतिच्छेद होती है या कट होती है उस बिंदु को हम क्या कहते हैं प्रतिबिंब। अब आते हैं प्रतिबिंब के दो प्रकार प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। अब कहें कौन कौन सा, तो एक आभासी और वास्तविक। कैसा? आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा आभासी क्या होता है और वास्तविक क्या होता है, तो चलिए देखते हैं आभासी प्रतिबिंब क्या है। किसी बिंदु वस्तु चलने वाली किरण प्रावर्तन या अपवर्तन के पश्चात अपसारी हो जाती है। अपसारी एक वर्ड है, अपसारी मतलब फैल जाती है, अपसारी मतलब फैल जाती है तथा किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है या किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है या वह एंड्यू टाइप आपको ऐसे जा रहा है ऐसे फैल जाए तो क्या है ऐसे फैल जाना तो उसको हम कहते हैं आभासी, तो वह आभासी प्रतिबिंब होगा। अब वास्तविक प्रतिबिंब क्या है? वास्तविक प्रतिबिंब जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली किरणें प्रवर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर वास्तव में मिले तो वह प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब। तो यहाँ क्या वास्तव में प्रच्छेद होती है, हमें दिखता है, इसमें क्या आभास होता है, आभास होते हुए कहीं प्रच्छेद हो रहा। आभासी में प्रतिबिंब प्रच्छेद होते प्रतीत होती है लेकिन इसमें क्या वास्तव में जब दो किरणें प्रावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जब दो किरणें आपस में प्रच्छेद करती हैं तो हमारे क्या कहलाते हैं, अब वास्तविक प्रतिबिंब कहलाते हैं। अब आगे हमें देखना है इनके अंतर, आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब के अंतर। चलिए हम इसके अंतर को देखते हैं, देख लीजिए, हाँ राइट कर लीजिए। तो देखिए आपने अंतर देखते हैं आभासी में वास्तविक प्रतिबिंब में अंतर। तर में लिख लिखा आभासी, इधर लिखा वास्तविक, आभासी प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब। तो आभासी प्रतिबिंब आपने पहले पढ़ चुका, जब किसी बिंदु से दो या दो से जब किसी बंद वस्तु से दो या दो से अधिक वस्तु में सॉरी वस्तु की किरणें आती हुई प्रतीत होती है या प्रच्छेद होती है वो किरणें फैल जाती है, समझ लीजिए वो किरणें फैलकर आती है आभासी होती है और आपका वास्तविक होती है। जब तो किरणें एक प्रावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जब वास्तव में मिलती है वहां क्या था, जब किसी वस्तु बिंदु से दो या दो से अधिक किरणें प्रावर्तन आया अपवर्तन के पश्चात अपसारी हो जाती है अर्थात फैल जाती है अर्थात वास्तव में प्रतीत होती है प्रच्छेद होते हुए प्रतीत होती है तो हमारे आभासी थे। यहाँ जब यदि किसी वस्तु बिंदु से दो या दो से अधिक किरणें आती हुई प्रतीत सॉरी प्रवर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर प्रच्छेद करती है उस बिंदु पर प्रतिबिंब होता है तो वास्तविक होता है। अंतर में पढ़ा, इसमें अंतर पढ़ना है आभासी, इसमें प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष सीधा होता है मतलब इसमें हमेशा वस्तु सीधा बनता है जैसे हम है वैसे हम देखेंगे तो मिरर में हमारा सीधा ही चेहरा दिखेगा लेकिन वास्तविक इसमें प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष उल्टा बनता है, हमेशा वस्तु के सापेक्ष उल्टा बनता है। अब कंडीशन आता है, एक कंडीशन आता है कहां सीधा बनता है वो आप जब पढ़ेंगे उसके कंडीशन तब आप यहां देखेंगे इससे प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु के साथ
सापेक्ष उल्टा बनता है, अर्थात फिगर जैसा है उसका उल्टा होगा, दाएं का बायां, बायां का दाएं, पांच परावर्तित दिशा में, ठीक है। इसमें प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष उल्टा बनता है, ऐसे है तो उसके अपोजिट हो जाएंगे, ठीक है। आपका इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे में प्राप्त नहीं किया, जैसे आप प्रोजेक्टर देखते हैं तो वहां पर जो प्रतिबिंब बनता है वास्तविक प्रतिबिंब होता है, ना आभासी, क्योंकि आभासी प्रतिबिंब हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, और वास्तविक प्रतिबिंब हम क्या कर सकते हैं, पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। तो आभासी इसे पर्दे प्राप्त किया जा सकता है, क्या है वास्तविक है, इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन बट आभासी को इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो आपको हमने उदाहरण बताया, जैसे आप प्रोजेक्टर देखते हैं वहां पर जो किरणें होती हैं वास्तविक किरणें होती हैं, ठीक है, और जब वो किरणें आप टकराते हैं बनती हैं। अगला देखिए, इसकी ना फोटो लिया जा सकता है, आभासी प्रतिबिंब की हम फोटो नहीं ले सकते हैं बट वास्तविक प्रतिबिंब भी ले सकते हैं। आगे देखिए, समतल दर्पण में सदैव आभासी प्रतिबिंब बनता है, बनता है समतल दर्पण में सदैव, समतल दर्पण जो दर्पण प्रयोग करते हैं पर डे डेली यूज में अपने चेहरे को देखने के लिए कुछ भी समथिंग एनीथिंग, वो हमारा समतल दर्पण होता है, उसका प्रयोग हम अपने आप को देखने के लिए, अपने चेहरे को देखने के लिए, अपने शरीर को देखने के लिए करते हैं। ऐसे दर्पण में हमारा जो प्रतिबिंब बनता है, दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है आभासी प्रतिबिंब बनता है, और प्रतिबिंब कैसा बनता है, सीधा बनता है, हम जैसे होते वैसे दिखते हैं, बस वहां अंतर क्या होता है पार्श्व परावर्तित, दाया का बाया, बाया का दाया दिखता है, यदि हमारा दाया कान है तो दर्पण में वो बाया दिखेगा, ठीक है, तो पार्श्व परावर्तित होता है, बट ये ध्यान रखना चाहिए आभासी और सीधा बनता है किसमें, समतल दर्पण में, समतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब ही बनता है, ठीक है, और साथ ही सीधा बनता है। आपको पॉइंट नहीं दिखे याद होना चाहिए, समतल दर्पण में सदैव आभासी प्रतिबिंब ही आभासी के साथ साथ सीधा बनता है। अब आता है अवतल व उत्तल दर्पण में, दो तरह के दर्पण के प्रकार होंगे भी जब पढ़ाया जाएगा तो हाँ, लेकिन यहाँ अंतर में उनका नाम आया तो आप जानिए, अवतल व उत्तल दर्पण, आपको दर्पण दर्पण भी पढ़े हैं, दर्पण के प्रकार नहीं पढ़े हैं, अभी प्रतिबिंब पढ़े, अब इसके बाद दर्पण पढ़ेंगे। तो अवतल व उत्तल दर्पण में प्राप्त प्रतिबिंब सदैव वास्तविक एवं उल्टा बनता है, ठीक है। तो आज आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत मैंने छोटा वीडियो बनाया है, जितना बनाया है उसको आप अच्छी तरह से तैयार कीजिए, कल आपको प्रतिबिंब के प्रकार आपको आज पढ़ा दिया गया है, कल आपको पढ़ना है परावर्तन के नियम, क्या पढ़ना है परावर्तन के नियम और दर्पण, तो हम आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको लेकर आएंगे क्या परावर्तन के नियम और दर्पण के प्रकार। थैंक्स, जय हिंद।